खरगोन जिले के सेगावा में मंगलवार प्रातः 11 बजे गोलवाड़ी रोड वासियों ने विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय पहुंचकर सुपरवाइजर देवेंद्र मालवीय को बिजली की समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा है। बताया कि विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी आपातकालीन समय में फोन नहीं उठाता है। ज्यादातर कर्मचारी अपना नंबर बंद रखते हैं। सोमवार रात्रि से लेकर सुबह तक रात भर बिजली गुल रही। गर्मी और उमस के कारण हाल बेहाल है। बारिश में और स्थिति बिगड़ रही है। कोई भी कर्मचारी ध्यान नहीं देता है। आप स्वयं ही यहाँ निवास करते हैं, सुबह 12 बजे ऑफिस आते हैं और शाम को चले जाते हैं। ऐसे में रात्रि के समय होने वाली बिजली के संबंध में समस्याओं से किसे बताया जाए और कौन हमारी समस्याओं को दूर करेगा? अगर आपने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आगे और आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। क्या क्या ज्ञापन दिया व्यापारी? ये गुलवाड़ी रोड संबंधित का है और ये साथ में बार बार बंद चालू हुए सेगा के बिजली बंद होने संबंधी है। सर क्या निराकरण है समस्या? इसमें गोलवाड़ रोड संबंधित दो अभी कर रहे हैं व्यवस्था, उसके लिए तार डालने की लो वोल्टेज समस्या उसके लिए कर रहे हैं व्यवस्था। वो बाद में यहाँ लोकल से बंद होने की कम से कम मतलब बंद होगी इसी पर ऐसा प्रयास किया जाएगा उसके लिए। ज्ञापन दिया आप लोगों ने? ये लाइट बंद रहती गांव में, बार बार बंद चालू करा करते लाइट। अच्छा, क्या समस्या है लाइट की? समस्या है कि बार बार बंद चालू रहती है और कल गोलवाड़ी रोड पे शाम को 6 बजे लाइट बंद हुई थी और सुबह 11 बजे आई है। कब से हालात है? ये हमेशा रहते बने रहते हमेशा ये। क्या अधिकारियों को आपने अवगत कराया? अधिकारी रहते नहीं, अधिकारी को किसको अवगत करवाए? आज क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये मिला कि देखेंगे हम। क्या नाम लिखते हैं? मैं नाना अग्रवाल लिखता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।